राम सिंह खाना ना ज्यादा स्पाइसी मत बनवाना, बाहर से काफी मेहमान आने वाले और वो स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। और ये सारा सामान प्लीज बाहर रख दो, लोग आएंगे देखेंगे क्या कहेंगे प्लीज। ओके सर। ये कैटरिंग वाले कहाँ रह गए? ये तो बुलबुल ही हो सकती है। राम सिंह यहां सामान पड़ा है, इसे प्लीज अंदर कमरे में रखवा दो। तुम मुझे तंग कर रहे थे ना? तुम भी तो तंग कर रही थी मुझे। बाय द वे आई मिस्ड यू। By the way, I love you. I love you too. मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब क्या कर रहे थे? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? अरे मुझे याद है मुझे क्या करना है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, बस मीतू का वेट है। मीतू? ये कौन है? मीतू, उससे ना किसी की भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, वो जब यहाँ आएगी ना तुम खुद पहचान जाओगे। ये क्या, तुम अकेले ही आ गए हो? पर क्या कहा है? अरे दादी आप जानती हो ना, लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम लगाती है, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं नीचे आ गया। टाइम लगाती है तो खूबसूरत भी तो लगती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तू तो अभी से शिकायतें करने लग गया। दासी यहाँ पर सब लोग पहुँच गए और वो अभी भी तैयार हो रही है, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वैसे एक बात है, अभी जब हमारी बहू आती है ना तो सबकी नजरें उसी की तरफ होती है। हाँ वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बीवी है, रॉकस्टार अभी की बीवी, राइट आंटी? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा जी। ऐसी बात नहीं है सरला जी, हमारी बहू को तो लोग उसकी सादगी और स्माइल के लिए देखते हैं। अरे इस पूरी पार्टी में एक भी लड़की ऐसी है जो हमारी बहू की सादगी का मुकाबला कर सके? अब कुछ की तो देखो कपड़े ही ऊपर हो जाते हैं और कुछ के महकम ज्यादा हो जाते। अरे ये लड़कियां कम भूतनिया ज्यादा नजर आती। वैसे हमारी बहू की खूबसूरती ना उसकी सादगी में है। अरे दासी आप छोड़िए ना, बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो आपकी बहू जैसी है और उससे भी अच्छी है। बहुत तो छोड़, अगर एक भी मिल जाए ना तो मुझे बता देना तो मानूंगी। ठीक है अभी दिखा दो। ठीक है दिखा। वैसे वो रही आपकी लड़की, सिंपल सोबर ब्यूटीफुल का पता नहीं, वो तो चेहरा देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन पीछे से तो बहुत सेक्सी लग रही है। मैं भी उसे लेकर आता हूं। हेलो आप एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ अब मेरी दादी को मिल सकती हो? क्या है ना, मेरी दादी को लगता है कि उनकी जो बहू है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, जबकि मेरा मानना है कि उनकी बहू के अलावा और भी खूबसूरत लड़कियां हैं, जैसे कि तुम। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरी दादी के पास चलो। आप जहां कहेंगे वहां चलूंगी आपके साथ। अपनी साड़ी क्यों बदल दी और बालों का बगीचा क्यों बना रखा है तुमने? आपसे झगड़ते हुए साड़ी का पल्लू फट गया था इसलिए मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। वैसे आप कमरे में क्या कह रहे थे? कोई मुझे देखेगा नहीं,
और अब कोई मैंने कोई कहा था मैं देख रहा हूँ कोई और नहीं तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं तुम भी सो हैप्पी ओके खुश तभी होती हूँ जब आप मुझे देखते क्या आपके बहुत सारे फैंस हैं ना हाँ है तो हाँ तो वो फैंस वही देखते हैं जो आप देखते हैं मतलब वो भी मुझे देखेंगे तो मेरे तो वोट्स बढ़ गए और मैं जीत गई ना है ना क्या हाँ राइट आई एम राइट ये चालू चश्मिश तो स्मार्टनेस दिखा रही है इसे कोई सुंदर लड़की दिखा नहीं पड़ेगी बस कोई ठीक ठाक सी लड़की सामने आ जाए I guess I know her. Of course I know her. She's Meetu. ये यहाँ क्या कर रही है? Of course she's Meetu. And एकदम correct time पे आई है आकाश. Correct time? No bro. इसे यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो invite किया नहीं इसे. You know what bro? 2 महीने से इसके calls avoid कर रहा हूँ मैं. She's mad for भाई. मैं इसे भगा के आता हूँ. I'll do something. अरे कहाँ जा? रुक ना. कमाल है यहाँ कोई मुझे पहचानता ही नहीं अरे ये तो मीतू है ना कौन मीतू वही ना जो अभी के पीछे पागल थी हाँ इतनी पागल कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है तू चाहता है ना प्रज्ञा और अभी साथ रहे तू चाहता है ना उनकी दूरियां कम हो ऑफ कोर्स यार मैं क्या सब ये चाहता एग्जैक्टली सुन ये ना उन दोनों के बीच की वो और यही वो उन दोनों को पास लाएगी व्हाट आर यू सेइंग पूरा भी ये दूरियां कम नहीं करेगी बल्कि बढ़ा देगी एंड आई एम श्योर इसकी कोई हरकत देख के ना प्रज्ञा भाभी और भाई के बीच फिर से डिफरेंसेस आ जाएंगे अरे यार तू चिल कर ना देख तू मानता है ना मैं और अभी बचपन के दोस्त हैं मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं मानता है ना तू और मैं उसका मैनेजर भी रहा हूं तेरे से पहले राइट हां तो ये भी मानता होगा कि मैं उसको तेरे से अच्छे तरीके से जानता हूं पूरा ये सब तो मुझे पता है बट तुम इस टाइम क्या कहना चाहते हो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो भला है ना आकाश यही उन दोनों का भला करेगी तू देखते जा और इससे मदर से एक रिक्वेस्ट करूं कि जब तक मैं नहीं कहता ना उसको यहां से जाने मत दियो भाई प्लीज ओके एज यू से आई बिलीव बट मेक श्योर कुछ गलत ना हो डोंट वरी कुछ नहीं करेगी शी इज लुकिंग एट मी मैं आता हूं लोग तुम्हारी सक्सेस को देख के तुम्हें लकी कहते होंगे बट मैं तुम्हारी वाइफ को देख के तुम्हें लकी मानता हूं बिल्कुल सही सूरत और सीरत में जवाब नहीं है भाभी जी का थैंक यू Thank you so much. Excuse us, please. चलें? Excuse me. पता है लोग तुमसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तुम मेरे साथ खड़ी हो तुम किसी कोने में जाके खड़ी हो जाओगी ना तो एक वेटर तुमसे पानी तक पूछने नहीं आएगा आप उल्टा तो नहीं समझ रहे मतलब आपसे तो कोई मिलने आ नहीं रहा सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ खड़ी Oh, you think so? Wait, I'll show you. Is that so? No, I'm dying to see you. कैसे हो? Me too. Me too. Oh my God. What a pleasant surprise. इतने दिनों के बाद. One more, come on. वैसे ये तो मुझे कहना चाहिए. तुम इतनी बदल गई हो. अब पहचान में कैसे होगी है ना वैसे क्या ढूंढ रहे हो फायर ब्रिगेड या तुम इतनी हॉट लग रही हो आज इस पार्टी में आग लगाने वाली हो तुम रियली अभी क्या तुम्हें सच ही लगता है कि मैं हॉट लग रही हूँ ओह माय गॉड सीरियस बुक मारो हाँ चल गया
तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो चारों बाजू देखो, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं। ओह कम ऑन अभी, ये तुम्हें भी पता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं। हाँ सब मेरे फैंस हैं, सब मुझे देख रहे हैं और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो बात तो एक ही हो गई ना। वैसे थैंक गॉड तुम आ गई, सीरियसली आई वाज सो बोर्ड यार, पर कितने बोरिंग लोग हैं सब बाजू। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम आज इस पार्टी पे पूरी शाम मेरे साथ बिताओगे? यस। हाउ स्वीट अभी। आलिया मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मीतू अभी के इतने करीब है और अभी भी उससे इतनी कैजुअली बात कर रहा है। जस्ट चिल तन, भाई मीतू को बहुत पहले से जानते हैं, सो यू जस्ट एंजॉय द पार्टी एंड स्टॉप बीइंग हाइपर। वैसे तुम कह तो रहे हो कि तुम मुझे देख के खुश हो, पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें इतने फोन लगाए पर तुम्हारा वो मैनेजर या तो वो फोन उठाता नहीं है या तुम्हें फोन देता नहीं। He's an idiot. अब उसे थोड़ी ना पता है कि कौन मेरे कितने करीब है। अब तुम आ गई हो ना, डोंट वरी, अब हम ढेर सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, अगले साल तक होगी, है ना? अगले साल तक? हाँ, क्योंकि अब 12 बजने के बाद अगला साल शुरू हो जाएगा। हाँ, हम अगले साल तक बातें करेंगे, मस्त है। और उसके बाद ससे ये कौन है? ये तुम्हारी वाइफ है। What on? You're right. Like always. लेकिन प्लीज इसे मेरी वाइफ मत कहना। अब तो क्या कहूँ? चश्मिश। चश्मिश? नहीं। चश्मिश। चश्मिश। तुम्हें पता है? इसके जो दो डंडे लगे हुए हैं ना, इसे हम चश्मा बुलाते हैं ना, लेकिन इसके लिए दूर बीन है। कम ऑन अभी, अब ये मत कहना कि इस दूरबीन से स्टार्स दिखते हैं। अरे कहाँ तुम स्पेस तक जा रही हो, इसे सामने खड़ा इतना बड़ा स्टार नजर नहीं आ रहा, ऊपर के स्टार्स कहाँ नजर आएंगे, है ना? तुमने देखा वो दूरी सीधा है? What? बता, फिर से अपना वो फोकस सेट करो ना इसे वाला। क्यूट लग रही हो तुम, प्लीज मना मत करना, गेस्ट है। अतिथि देवो भव इंडिया। Oh my God, अभी तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल कमाल का है, इसलिए तो मैं तुम्हारी इतनी बड़ी दीवानी हूँ। You know what? मैं तुम्हारी बातें घंटों सुन सकती हूँ। धीरे बोलना, अगर इसने सुन लिया ना तो ये अपने चश्मे उतार देंगे, फिर इसकी आंखों से ना अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी जिसकी वजह से तुम्हें चश्मा लग जाएगा। You don't want that, do you? Oh my God, अभी तुम ना मुझे हंसा हंसा के मार ही डालोगे। Oh my God. Oh. चश्मिश रुको, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमने कुछ सोचा था और वो कुछ और ही रहा, अगर ऐसे चलते रहा ना तो दीदी ये चीजें अलग हो जाएंगे। तो मैं भी तो यही सोचा, जो हमने सोचा था उसका एकदम ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है, पर कुछ और करना पड़ेगा। कुछ करो, अगर ऐसे चलता रहा ना, हमारी शर्त याद है राइट? जब दी और चीजों एक नहीं हो जाते, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। वो कैसी बातें कर रही हो? तो मुझे एक और चांस दो, आई प्रॉमिस मैं कुछ ना कुछ पूरा। मुझे कुछ नहीं सुना, ट्राई करो। सोच क्या रहे हो भैया? कोई तो डिसीजन लेना होगा ना, ये लो चाय। थैंक्स। कैसे डिसीजन लो, इतना आसान नहीं यार। और ये कोई बर्थडे पार्टी का इनविटेशन नहीं, ये न्यू ईयर पार्टी का इनविटेशन। अब जाऊं तो मुसीबत, ना जाऊं तो मुसीबत। और पिछली बार मैं उस अभी को बहुत कुछ सुना के आया, और इस बार मुझे यकीन है कि मुझे सुनाने का मौका वो नहीं छोड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। पर अगर नहीं गए तो प्रज्ञा दी बुरा मान जाएंगी। इसीलिए तो, अब प्रज्ञा मेरी दोस्त ना होती तो मैं जाने के बारे में सोचता तक नहीं। तो भैया फिर चले ही जाओ, और अगर वहां पे अच्छा ना लगे तो प्रज्ञा दी से बोल के वापस आ जाना। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जितनी देर उधर रहूंगा ना, उस अभी की शक्ल देख देख के मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा।
प्रज्ञा को मुंह दिखा के मैं उल्टे पांव वापस आ जाऊंगा, ये अच्छा आइडिया। बच्चों तू एक काम करना, तू मेरे कपड़े निकाल दे, मैं ना मुंह धो के आता हूँ। थैंक यू। Hey, Meetu, how are you? Hi, Poora. कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। Drink? Thanks. अरे, मैं तो यहीं पे था। मुझे तो दिखी नहीं। मुझे सब दिख रहा है कि तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हो? Meetu, मैंने तुम्हें यहाँ अभी के लिए बुलाया है। अभी the rock star. सारी दुनिया जानती है कि तुम उसकी कितनी बड़ी दीवानी हो। देखो, तुम यहाँ अभी के लिए आई हो। तुम सुबह शाम उसके सपने देखती हो और जब वो तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम कुछ और ही कर रही हो। पूरा क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं अभी के साथ वो सब कर सकती हूँ जो मैं पहले किया करती थी? पर कैसे? He's a married man now. उसकी वाइफ यहाँ है, उसकी पूरी फैमिली यहाँ है, सबके सामने ऐसे कैसे? अरे तुम कब से लोगों की परवाह करने लग गई? यू आर Meetu. Meetu, तुम्हें पता है लोग तुम्हारे एग्जाम्पल देते हैं कि दीवानगी हो तो Meetu जैसी हो। आई मीन कम ऑन। और तुम यहाँ पे शर्मा रही हो? कम ऑन, कुछ ऐसा करो कि अभी पागल हो जाए। तुम्हें पता है क्या, यू वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट नॉट ओनली ब्यूटीफुल, यू आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल Meetu. बाहर निकालो अपने अंदर की शेमलेसनेस को। व्हाट आई मीन फियरलेस Meetu को। कुछ ऐसा करो कि अभी को भी लगना चाहिए तुम जैसी लड़की ना उसकी लाइफ में ना आई थी ना कभी आएगी। कुछ ऐसा करो Meetu कि दुनिया भी याद रखे कि दुनिया में ना सिर्फ दो प्रेमर पुजार हैं, एक मेरा और दूसरी तुम Meetu। कम ऑन Meetu, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। यू नो व्हाट पूरा, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ? जो चेहरा बल्ब की तरह चमक रहा था वो अचानक से फ्यूज कैसे हो गया? कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लग रहा है कि मैं उस लड़की के साथ? अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है। जलाने के लिए कर रहा था। हाँ
हम दोनों का झगड़ा हुआ था इसलिए मैं उस मीतू को यूज कर रहा था ताकि ये झगड़े को और बढ़ाया जा सके। वैसे तुम जानती हो ना कि मैं ऐसी चिपकू लड़कियों को एक सेकंड तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब ऐसी लड़कियां मुझे चिपकते ना मन करता है उन्हें पंच दे दूं। तुम जानती हो ना कि मैं मीतू को एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब नाटक था, अब ये नाटक खत्म हो गया है। मैंने उसे सबक सिखा लिया ना, अब ये दोबारा नहीं होगा। कम ऑन स्माइल। ओके कम कम। अच्छा तो वो सब इन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए किया, अब तो मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।